हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ आपका न्यूमेरिकल्स के लिए रहेगा। और जो टॉपिक्स जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए थे नवंबर 2023 का, जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था, वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उन सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज हम डिस्कशन करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। चलिए अब हम लोग बुक की पीडीएफ के ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं आप लोगों का जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ये एबीएम की बुक का इंडेक्स पेज है, तो इसमें जो तीसरा वाला जो चैप्टर्स है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन, इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मीन और जो मीडियन है उसमें से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो मीन और मीडियन वाले न्यूमेरिकल्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सो चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस बनी हुई है, तो ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मीन मीडियन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन और रिग्रेशन के ऊपर यहाँ पे केस स्टडीज न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, फिर चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, और लाइन से चैप्टर नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है। टाइम सीरीज के ऊपर भी आपकी केस स्टडीज पूछी गई थी जो आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर जिसमें आपका मीन मीडियन के ऊपर क्वेश्चंस पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशंस और कोरिलेशन और रिग्रेशंस के ऊपर केस स्टडीज पूछी गई थी, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, और टाइम सीरीज ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीन चैप्टर्स का वीडियो जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये वाला, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिस्टम। इसमें टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी आप देख के जा सकते हैं। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर पूरा का पूरा आपका केस स्टडी पूछा गया था, ये जो छोटा सा चैप्टर है इसके ऊपर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2023 में। तो ये वाला जो चैप्टर है इसका पूरा वीडियो देख के जाइए, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोसिएशन। नेक्स्ट कंप्लाइंसेस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपके जो मॉड्यूल डी है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आपका जो एग्जाम था उसमें पूछे गए थे। सो आपका जो कंप्लाइंस ऑडिट है ना, इस वाले चैप्टर्स को भी आप देख के जाइएगा क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ में कंप्लाइंस कल्चर एंड जीआरसी में विसल ब्लोअर पॉलिसी, इसके ऊपर पूरा केस स्टडी पूछा गया था। ठीक है, तो विसल ब्लोअर पॉलिसी को अच्छे से आपको करके जाना चाहिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसीज के, कौन कौन से टाइप के फ्रॉड्स हैं, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वीडियो भी आप देख के चाहिए। तो ये मैंने जो 5-6 चैप्टर्स बताए इनका एटलीस्ट आप लोग वीडियो देख के जरूर चाहिए, इसमें से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछ सकते हैं, और मॉड्यूल डी में से कंप्लाइंसेस में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाते हैं। सो एक न्यूमेरिकल आपका नेटवर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन के ऊपर पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, करंट एसेट इज 660 लैक्स, करंट रेशियो जो है वो 3:1 है, सो हमें कैलकुलेट करना है नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स कितनी है और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, तो उसका जो डिफरेंस है वही होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल क्या बताता है, कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल बताता है कि कंपनी के पास कितना पैसा बचा है, कितना पैसा बचा है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद। उस पैसे का कंपनी क्या करेगी, उसकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट होगी, जो शॉर्ट टर्म उसकी रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, उस रिक्वायरमेंट को अपनी नेट वर्किंग कैपिटल से जो है कंपनी पूरा करती है। तो हमें कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, जैसे आपके पास कैश है वो आपका करंट असेट्स है, मतलब जो बहुत लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको हम लोग करंट असेट बोल सकते हैं। आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 50 लाख है, पर उसको आप करंट असेट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो जो 50 लाख है उस प्रॉपर्टी को बेचने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इमीडिएटली अगर आपको पैसे की कैश की रिक्वायरमेंट आती है तो उस घर से तो आप नहीं कर सकते, तो वो घर घर आपका करंट असेट नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा है, कैश है, या आपने एफडी ये सब करा रखी है जिसको आप कभी भी ब्रेक करके पैसा अपने शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट के लिए पूरा कर सकते हैं, तो वो आपका करंट असेट होता है। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, आपने क्या किया कि 10 साल के लिए 20 साल के लिए कोई लोन ले रखा है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज नहीं है। इमीडिएटली आपको मान लीजिए
आपने कोई सामान खरीदा, आपको इमीडिएटली पेमेंट करनी है, ठीक है? आप आपकी फैक्ट्री है जिसके लिए आपने रॉ मटेरियल मंगवाया है, उसकी पेमेंट आपको इमीडिएटली करनी है, तो वो सब आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। जिसका पेमेंट आपको इमीडिएट करना होता है, इमीडिएट मतलब विद इन अ ईयर आपको पेमेंट करना रहता है, तो वो होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है? तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल बताता है कि कंपनी के पास कितना कैपिटल बचा है। ये जो वर्ड होता है ना कैपिटल, इसका मतलब है सिंपल कि पैसा, कंपनी के पास कितना पैसा है। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब कि कंपनी के पास कितना नेट पैसा बचा है जो अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट को, जो उसकी वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल होती है जो उसकी डे टू डे रिक्वायरमेंट है कंपनी की, जैसे कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है? तो जो शॉर्ट टर्म कंपनी की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी के पास कितना कैपिटल, कितना पैसा बचा है, उसी पैसे को बोला जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अभी हमें क्या करना है कि हमारे पास जो करंट असेट्स है उसमें से हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए करंट असेट तो हमें साफ साफ दिया है कितना, 660 लाख। तो करंट असेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 660 लाख, ठीक है? तो करंट असेट तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिया है, लेकिन हमें इन्होंने करंट लाइबिलिटीज नहीं दी है, लेकिन इन्होंने हमें करंट रेशो दिया है। तो हम करंट रेशो की हेल्प से करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो हमें दिया है 3:1। अब करंट रेशो का भी हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट को अगर आप अपनी करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा करंट रेशो, जो कि कितना है, 3:1, यानी कि 3। यानी हमेशा आपके जो करंट असेट्स है वो आपकी लाइबिलिटीज का 3 गुना है। अगर ये 3:1 है तो उसका मतलब ये है, इस केस में 3:1 है तो इसका मतलब इस कंपनी के जो करंट असेट है वो लाइबिलिटीज का 3 गुना है, जो उसकी करंट लाइबिलिटीज है उसका 3 गुना है, ठीक है? तो हम एक काम करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CL, करंट लाइबिलिटीज चाहिए। तो करंट असेट के बदले हम लोग पुट कर देंगे कितना, 660। करंट असेट के बदले हम पुट करेंगे 660 और हमें चाहिए करंट लाइबिलिटीज। अब हमें करंट लाइबिलिटीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ये जो 3 है इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो 660 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आपका 220। तो अब हमें करंट लाइबिलिटीज मिल चुकी है कितना, 220। तो हम क्या करेंगे, करंट असेट है 660 लाख, करंट लाइबिलिटीज मिली हमें 220। अब हमें चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट कितना था, 660 लाख। करंट लाइबिलिटीज हमने कितना कैलकुलेट किया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 220, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 440। तो इस कंपनी की जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है, 440 लाख है। यानी इसके पास 440 लाख है अपनी जो वर्किंग कैपिटल की जो शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, इस कंपनी के पास 440 लाख रुपए है। तो इसके साथ ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट इसमें हो गया। तो कभी भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो हमें जो बेसिक फॉर्मूले तो बिल्कुल ही याद करके जाना चाहिए, उन बेसिक फॉर्मूलेज की अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए। पहला करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है? और दूसरा फॉर्मूला हमें नेट वर्किंग कैपिटल का मालूम होना चाहिए। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है? फॉर्मूला एकदम सिंपल है, जो करंट रेशियो है उसमें करंट असेट और लाइबिलिटीज को हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल के लिए हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है? ये छोटा सा मैंने आपको ट्रिक बताया जिससे आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट तो हमें साफ साफ 660 दिया है, उसके बदले हम 660 पुट कर देंगे, बट करंट लाइबिलिटीज हमारे पास नहीं है, यानी हमें करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी रहेगी। अब हम अपने करंट रेशियो की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। करंट रेशो कितना है, 3:1। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, वो है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट जो कि हमें 660 दिया वहां पे पुट कर देंगे, यहां से हमारा करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा 660 बाय 3, यानी 220। अब हम करंट लाइबिलिटीज के बदले 220 यहाँ पे पुट कर देंगे। करंट असेट तो हमें दिया ही था 660, 660 माइनस 220 ये हो जाएगा 440 लाख। तो हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो हो जाएगी 440 लाख। इसके साथ ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट इसमें हो गया। इस तरह के का भी क्वेश्चन पूछा गया था ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के ऊपर, ठीक है? ब्रेक इवन के ऊपर अभी भी पूछा गया था, और उससे पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था ना मई जून में 2023 में, तब भी पूछा गया था। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है, ब्रेक इवन पॉइंट उस वाले पॉइंट को बताता है कि ना जहां पे आपको प्रॉफिट हो और ना आपको लॉस हो। एक ऐसी स्थिति, कंपनी की ऐसी कंडीशन जहां ना उसको प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इक्वल हो जाए, मतलब प्रॉफिट लॉस बराबर हो जाए, तो उस स्थिति को बोला जाता है
ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। इसको कैसे समझेंगे हम? इसको ऐसे समझेंगे, किसी आदमी ने 10,000 रुपए खोल के अपनी एक दुकान खोली, 10,000 रुपए लगा के उसने अपनी दुकान खोली, ठीक है। तो 10,000 उसका एक तरह से घाटा है, क्योंकि उसने जो पैसा दुकान में लगा रखा है एक इन्वेस्टमेंट है वैसे, बट अभी क्या हो रहा है कि वो जो 10,000 उसने खर्च किए दुकान में, पहले दिन उसकी कमाई हुई 5,000 रुपए और दूसरे दिन भी उसकी कमाई हुई 5,000। तो ये जो पहले 2 दिन की कमाई हुई है 5,000 5,000, तो ये इस 10,000 को कंपनसेट कर देगी। तो 2 दिन के बाद जो तीसरे दिन से वो कमाई करेगा वो उसका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही कोई कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करती है तो उसके बाद उसको प्रॉफिट होता है। जैसे इस कंपनी, इस आदमी ने अपनी दुकान खोली 10,000 रुपए की, पहले दिन 5,000 की बिक्री हुई, दूसरे दिन 5,000 की बिक्री, तो ये जो 10,000 की रिकवरी उसको 2 दिन में हो गई। तो सेकेंड डे के एंड में अगर वो काउंट करेगा उसके पास होंगे पूरे 10,000 रुपए, और उसने लगाया कितना था, उसने लगाया था 10,000, तो वैसे ही उसका जो है ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी दुकान का किसी भी बिजनेस का क्रॉस करता है वैसे ही उसको प्रॉफिट होना शुरू होता है। तीसरे दिन मान लीजिए उसको 3,000 रुपये की बिक्री हो गई, तो ये जो 3,000 रुपये है वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करते ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, आप उस कंडीशन में आ जाते हैं कि आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि फिक्स कॉस्ट पर मंथ इज 30,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 10 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 30 रुपीज, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमें कितना जो है क्या इसमें कैलकुलेट करना है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या हुआ है, फिक्स कॉस्ट पर मंथ, यानी कि इस दुकानदार ने क्या किया है कि 30,000 रुपये से दुकान खोली है, ठीक है। तो 30,000 रुपये से दुकान खोली है तो ये हो जाएगी उसकी फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आप बोल सकते हैं, या वेरिएबल कॉस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे सेलिंग प्राइस से और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 30,000, तो यहाँ पे हम 30,000 इसको पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेच रहा है, 30 रुपये में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30, वेरिएबल कॉस्ट क्या है उसकी, 10 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे, 30,000 को 30 माइनस 10, ये हो जाएगा 20, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3,000 को 200 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,500, तो 1,500 इस दुकानदार की हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो कंपनी है उसको 1,500 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी तब जाके उसको जो है प्रॉफिट होना शुरू होगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पर मंथ मतलब 30,000 जो है कंपनी खर्चा कर रही है यूनिट्स को खरीदने में, यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये, वो यूनिट्स को बेच कितने में रही है, 30 रुपये में बेच रही है, एक यूनिट को 30 रुपये में बेच रही है। तो इसमें हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा, यूनिट्स की टर्म में अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट था यहाँ पे 30,000 रुपये, सेलिंग प्राइस था यहाँ पे 30 रुपीज़, और वेरिएबल कॉस्ट थी 10 रुपीज़। 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, तो 30,000 को आप 20 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1,500। इस 1,500 का ये मतलब है कि ये जो कंपनी है, ये जो दुकान है, इसको अपनी 1,500 यूनिट बेचनी पड़ेगी। एक यूनिट कितने में बेच रहा है, 30 रुपये में बेच रहा है, और उसको 1,500 यूनिट बेचनी पड़ेगी, उसके बाद जाके जो है उसको प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो जब वो 1,500 यूनिट बेचेगी, क्योंकि 1,500 उस कंपनी का है ब्रेक इवन पॉइंट, तो जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगी उसके बाद ही जो है उसको प्रॉफिट होना शुरू होगा। यानी जब तक कंपनी 1,500 यूनिट नहीं बेचती तब तक तो वो जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। यानी जब कंपनी 1,500 एक भी यूनिट बेचेगी ना तब उसको प्रॉफिट होना शुरू होगा। वो जो एक भी यूनिट है तो उस यूनिट पे जो पैसा वो अर्न कर रही है वही उसका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से प्रॉफिट होता जाएगा। यानी जब तक कंपनी 1,500 यूनिट्स को नहीं बेचती तब तक वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट को नहीं क्रॉस कर सकती, ठीक है। तो इस केस में इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका यूनिट्स के टर्म में आ जाएगा 1,500, यानी इसको 1,500 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी तब जाके वो कंपनी क्या कर पाएगी, प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका इसी के ऊपर पूछा गया था कि सिक्स साइड डाइस को रोल किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स रोल्ड इज 7, कि जिनको आप रोल कर रहे हो डाइस को तो उस पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो उनको आप ऐड करो वो 7 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए जब भी आप सिक्स साइड डाइस को थ्रो करते हैं तो पहले दो डाई है, पहले वाले डाई के आने के चांसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं मैक्सिमम, और दूसरे वाले डाई के भी 6 हो सकते हैं। 6 कैसे हो सकते हैं, क्योंकि डाई में 6 साइड है और सब पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखा होता है,
तो इन सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 6 है। ऐसे ही जो आपका सेकंड आई है उस पर भी 1 2 3 4 5 6 है, तो सबके आने की एक एक प्रोबेबिलिटी है, तो उसका भी जो चांस है आने का वो टोटल का 6 हो जाता है। तो 6 × 6 यानी 36, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 36। अब हमें देखना है कि हमसे क्या पूछा गया, हमारे को किस अकरंस के बारे में बात की है। यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ नंबर रोल्ड इज 7, कि जो भी हम डाइस को रोल कर रहे हैं उसका सम 7 आना चाहिए। 7 कैसे आ सकता है, पहले वाले डाई में मान लीजिए 1 आ गया और दूसरे वाले में 6 आ गया, तो उनको आप ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। या क्या हो सकता है, या पहले वाले में 6 आ जाएगा और दूसरे वाले में 1 आ जाएगा, तब भी 7 होगा। और क्या हो सकता है, पहले वाले में 2 आएगा और सेकंड वाले डाई में 5 आएगा, तो इनको भी आप सम करो फिर से 7 आ जाएगा। फिर इसी का उल्टा, उल्टा यानी पहले वाले में 5 दूसरे वाले में 2, फिर से 7 आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये इसी के आगे है, अभी 3 और 4 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पहले वाले में 3 आ जाए दूसरे वाले में 4 आ जाए, तो उसको भी आप सम करोगे तो 7 आ जाएगा, या 4 और 3 में भी हमें 7 मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई प्रॉबिलिटी नहीं बचती। अगर यहाँ पे 2 है और वहां पे 5 है, तो 2 और 5 वाला मॉडल ही देख चुके हैं। ठीक है, बस इतनी प्रॉबिलिटी बनती है सम के 7 आने की। सम किसका, पहले डाई में कुछ आया दूसरे में कुछ आया, पहले मान लीजिए 5 आ गया दूसरे में 2 आ गया, तो इनको आप ऐड कर लीजिए, 5 + 2 7 आ जाएगा। तो इस तरह से बोल रहा है कि जो सम ऑफ नंबर हमें मिलेंगे डाई को रोल करने के बाद, तो वो 7 होना चाहिए। 1 और 6 7, 6 + 1 7, ये फर्स्ट डाई है और ये सेकंड वाला डाई है। ठीक है, तो या ये हो सकता है कि पहले वाले में 1 आए दूसरे में 6 आए तो भी 7 है, या पहले में 6 दूसरे में 1 तो भी 7 है, या पहले वाले डाई में आपका 2 आ गया उसको आपने रोल किया था और दूसरे वाले में 5 आ गया, या पहले में 5 दूसरे में 2, ऐसे पहले वाले डाई में 3 आ गया दूसरे में 4 आ गया, पहले वाले में 4 दूसरे में 3, तो इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने अकरंस कितने हो गए, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो टोटल 6 अकरंस हो गए। तो अकरंस कितना हो गया यहाँ पे हमारा, 6। जो नंबर 7 है उसके आने का जो अकरंस है डाई के ऊपर वो कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमें वही प्रॉब्लम निकालनी थी कि जो सम है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 6। सो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो आंसर हो जाएगा 1/6, यानी जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम डाई को, दो डाई को रोल कर रहे हैं और उनका जो सम आता है वो 7 आता है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, तो इस तरह का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपका पूछा गया था। तो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, जब भी आप डाई को रोल करोगे तो पहले में 6 आ सकते हैं दूसरे में 6, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 36 है, तो यहाँ पे हमने 36 लिखा। ठीक है, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, तो फॉर्मूला अकरेंस मतलब क्या आ सकता है और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। ठीक है, 6 डाई में 6 इधर आ सकते हैं, मतलब एक डाई में 6 साइड होते हैं, तो 6 साइड के आने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 है। ऐसे ही दूसरे वाले डाई में भी जो 6 साइड्स होते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी भी 6 है, तो 6 × 6 36। तो ये जो टोटल डाई का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 36 का बनेगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 36। फिर यहाँ पे बोला है कि जो सम है वो 7 आना चाहिए, तो सम 7 कैसे आ सकता है, 1661 में 7 आएगा, 2552 में 7 आएगा, 3443 में 7 आएगा। ठीक है, यानी जब जैसे आप डाई को रोल करते हो ना, पहले वाले और दूसरे वाले में जो नंबर्स मिल रहे हैं उनको आप ऐड कीजिए, वो 7 आना चाहिए। तो टोटल ऐसी 6 ही पॉसिबिलिटीज, 6 ही अकरेंस हो सकते हैं, तो 6 संभावनाएं बनेंगी 6/36, तो ये हो जाएगा 1/6। तो इस टाइप का सेम न्यूमेरिकल आपका पूछा गया था। ये न्यूमेरिकल है 2 डाइस थ्रोन, 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं एंड गेट सम ऑफ प्राइम नंबर्स प्रोबेबिलिटी, यानी आप डाई को थ्रो कर रहे हैं और उसमें जो आपको मिल रहा है, जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं डाई को थ्रो करते हुए, तो उन दोनों डाई के नंबर्स को आपको ऐड करना है और वो प्राइम नंबर आना चाहिए, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो देखिए, डाइस में जैसे आप थ्रो करोगे तो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, पहले वाले में 1 आ गया और दूसरे वाले में भी 1 आ गया, ये सबसे छोटा नंबर होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 6 होता है, और दूसरे वाले में भी 6 हो गया ऊपर सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो 6 × 6 12 हो गया, जो सम है ना इनका 12 हो गया, तो यानी सबसे छोटा नंबर जो आ सकता है वो 2 हो सकता है और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 12 हो सकता है, यानी जो भी प्राइम नंबर्स हैं 2 से 12 के बीच में हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उस हिसाब से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और आपका 11 हो गया। 9 हो सकता है, नहीं 9 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। 4 छूट गया, क्या 4 प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं क्योंकि वो 2 से डिवाइड, तो ये आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन तो मालूम है, तो वो मुझे उसको बताने का उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं। तो जब भी आप डाइस को थ्रो करोगे तो सबसे छोटा नंबर 2 आ सकता है, सबसे बड़ा जो नंबर है, नंबर इन द सेंस कि जो सम ऑफ नंबर्स है, यानी दोनों डाई में जो आप ऐड करोगे तो सबसे छोटा पहले में या तो 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1 आ सकता है, तो 2 की सबसे छोटी पॉसिबिलिटी बनती है, और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉबिलिटी बनती है 12 की। क्यों, पहले वाले में 6 आ गया दूसरे वाले में भी 6 आ गया, तो उसको आप ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी 2 से 12 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ सकते हैं।
तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, तो ये सारे प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। जब भी आप दो डाई को थ्रो करते हो तो पहले में मैक्सिमम 6 चांसेस हैं आने के, ठीक है, और दूसरे वाले में भी 6 चांसेस है। 6 × 6 36, तो टोटल प्रॉबिलिटी यहाँ पे कितनी बन गई, वो बन गई 36। अब हमें ये देखना है कि 2, 3, 5, 7, 11 की क्या क्या चांसेस हैं, 2 आने का क्या चांस है, 3 का, और एक एक करके इनका देखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे, वो थे हमारे 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। तो 2 कैसे आ सकते हैं, पहले वाले डाई में आपका 1 आ गया और दूसरे में भी 1 आ गया, तो उनको आप ऐड करोगे 2 आ जाएगा। 3 कैसे आ सकता है, 3 ऐसे आ सकता है कि पहले वाले में 1 आ गया, दूसरे वाले में 2 आ गया, या पहले वाले डाई में 1 2 आ गया, पहले वाले डाइस में 2 आ गया और दूसरे वाले में 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो पहले वाले डाइस में आपका 1 आ गया, दूसरे वाले में 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 कैसे आ सकते हैं, 5 आपका पहले वाले में 4 आ गया, दूसरे वाले डाइस में आपका 4 आ गया, पहले वाले में 1 आ गया, दूसरे वाले में 4, तो 5 हो सकता है, या फिर पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 1, फिर से 5 आ जाएगा, या 2 3 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है कि पहले में 2, दूसरे में 3, और पहले में 3, दूसरे में 2, तो इनको भी आप ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 7 कैसे आ सकते हैं, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 6, इसी का उल्टा 6 1। नेक्स्ट नेक्स्ट बन सकता है आपका 3 4 को भी आप ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 3 4 4 3। और कैसे आ सकता है, 7 5 2 और 2 5, ठीक है। तो ये सारे चांसेस बनेंगे आपके 7 के, कैसे, 1 6 6 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 4 4 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, और आपका 5 2 2 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टोटल यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन गए, यहाँ पे 6 बन गए, 7 वाले में 6 बन गए। 11 कैसे आ सकता है, 11 दो ही तरीके से आ सकता है, पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 5, या पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 6, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है, आप इनको ऐड कर लीजिए, 5 6 11, 5 6 11, ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन। तो टोटल कितने अकरेंस हो गए, 2 आने का चांस कितना है, 1 1, 3 आने का चांस 1 2 2 1, 5 का चांस 1 4 4 1, ऐसे 2 3 3 2, इनको आप ऐड कीजिए ना, 1 + 4 या 4 + 1 तो 5 आएगा, 2 + 3 3 + 2 5 आएगा, और ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स है। वही लिखा था कि डाइस को थ्रो करना है और जो सम आएगा प्राइम नंबर्स होना चाहिए, जो सम आएगा ना डाइस पे, पहले वाले में 1 आया दूसरे में, तो उनको आप ऐड कीजिए, वो चीज़ प्राइम नंबर आनी चाहिए। तो वही हमें बोल रहा है 7 प्राइम नंबर कब आ सकता है, 1 6 6 1, 3 4 4 3, 2 5 5 2, ऐसे 11 कब आ सकता है, 6 5 5 6, ठीक है। तो ये सारा हमारा अकरेंस का पूरा जो है कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितनी प्रॉबिलिटी बनी, इसे काउंट करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे हो गया, 7, टोटल देखिए आप ये 15 अकरेंस हो गए, कितने हो गए यहाँ पे, 15 यहाँ पे हो गए, ठीक है। चलिए फिर से आ जाते हैं, तो टोटल तो हमारा 36 था, और उसमें से प्राइम नंबर के आने के अकरेंस हमने कैलकुलेट किया जो कि आया 15, तो आंसर हो जाएगा 15/36। इसको थोड़ा और सिंपल वे में कर सकते हैं, 5/12, तो 5/12 हमारा प्रॉबिलिटी इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये सिंपल सा नंबर कंप्लीट हो गया। डिट्टो इसी टाइप का प्राइम नंबर्स आने वाला जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी मैंने आप लोगों के लिए, सिर्फ यही नहीं, काफी सारे मैंने और भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रखी है प्रॉबिलिटी के ऊपर, तो आपको जो एवीएम की एमसीक्यू की जो वीडियोस है ना, जो मैंने पहले आपके लिए बनाई है, तो वो आप जरूर देखिए, क्योंकि उस टाइप के भी प्रॉबिलिटी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको एमसीक्यू की वीडियोस दिखती है 2 हंस वाले वीडियोस में, 2 हंस वाले प्लेलिस्ट में, तो उनको आप देख लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा ऑन द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स है, उनका हाइट हमें इंचेस में दिया है, 65 इंच, 68 इंच, 72, 70 और 67 इंच। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मीन वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो हमें इस डेटा की हेल्प से ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इस टाइप का मीन, मीडियन, वेरियंस, इन सब के ऊपर भी जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आपका आगे भी पूछ सकते हैं। तो मीन कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है, 5 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, 5ों की हाइट को आप ऐड कर दीजिए, और ये है कितने, 5 है, तो इनसे इनको डिवाइड कर दीजिए, तो उससे हमारा मीन जो है कैलकुलेट इसमें हो जाएगा। तो मीन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, मीन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 5ों की हाइट को हम लोग ऐड करेंगे, 65 + 68 + 72 + 70 + 67, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 5 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें मिलेगा मीन। इन 5ों को हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर में, यहाँ मैंने कैलकुलेटर ले लिया, तो मैं 65
प्लस 68 प्लस 72 प्लस 70 प्लस 67 करना है, ये आ जाएगा 342। 342 को हमें 5 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 68.4, यानी हमारा मीन जो है वो आ गया 68.4। तो पहला एक चीज़ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मीन सॉल्व करना सबसे इजी होता है, ठीक है। तो मीन हमारा आ गया कितना, 68.4। तो पहले का आंसर हमारा आ गया। अब हम सेकंड पे आते हैं, ठीक है, वेरिएंस। तो मीन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, पर जनरली आपको मीन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं पूछेंगे, आपको वेरिएंस सॉल्व करने के लिए पूछेंगे। और क्योंकि वेरिएंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास मीन होगा, बिना मीन के आप वेरिएंस को नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे सीढ़ी है ना, बिना पहले सीढ़ी में चढ़े हुए आप तीसरी या चौथी सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते, सेम ऐसे ही मीन है, बहुत सिंपल, बट आपको एग्जाम में वेरिएंस पूछा जाएगा और वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए मीन की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैंने जो मीन का क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। अब हम आते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। ये है आपका वेरिएंस, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर अगर आपने सॉल्व किया तो यानी आपने वेरिएंस को सॉल्व कर लिया। तो वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स आई मतलब एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव। तो एक्स वन है आपका 65, एक्स टू है 68, एक्स थ्री है 72, एक्स फोर है 70 और एक्स फाइव है 67। एक्स बार यानी मीन, मीन कितना है हमारे पास 68.4। ऐसे एन माइनस वन, एन टोटल कितने, फाइव, फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा। एन मतलब कितने बच्चे हैं, कितनों की हाइट है, तो पांच बच्चों की हाइट दी है तो एन के बदले यहाँ पे फाइव हो जाएगा। अब हम इसी वैल्यूज को जो है पुट करके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ों इरेज कर दी ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाए। तो फॉर्मूला क्या था? एक्स वन, एक्स वन कितना है 65। तो 65 माइनस एक्स बार कितना था 68.4। 65 माइनस 68.4 का स्क्वायर, सम का मतलब है प्लस करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 68, 68 माइनस 68.4 का स्क्वायर। नेक्स्ट कैसे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 72 माइनस 68.4 का स्क्वायर प्लस 70 माइनस 68.4 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स की 67 माइनस 68.4 का स्क्वायर। इसके बाद डिवाइड में करेंगे एन माइनस वन, एन कितना था हमारे पास 5 माइनस वन। बस आपको इसी को सॉल्व करना है, इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा 65 माइनस 68.4 का स्क्वायर प्लस 68। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो पांच बच्चों की हमें हाइट दे रखी है ना, उसमें से मीन को माइनस करना है। एक्स एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वन टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव को, ठीक है। एक्स बार हमारा मीन है जो हमने अभी सॉल्व किया, कितना सॉल्व किया था हमने 68.4। एन कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, पाँच माइनस वन। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा वेरिएंस का। वेरिएंस का आपको फॉर्मूला मेमोराइज करके जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूले को याद कर लेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, एक्स आई यानी एक्स वन माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस सम का मतलब है प्लस, प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स फोर माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स फाइव माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और सबको आप लास्ट में डिवाइड करेंगे किससे, एन माइनस वन से। एन कितना है 5, 5 माइनस वन यानी 4 से इसको आप डिवाइड करेंगे। अब फिर से आप लोग कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये है 65 माइनस 60, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 65 माइनस 68.4 ये आ जाएगा माइनस 3.4, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 11.56। सो 11.56 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप आगे भी इनको सॉल्व करके लास्ट में 5 माइनस वन यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला मेरे को आपको बताना था, उसी पर्पज के लिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू सॉल्व किया, बाकी आप कैलकुलेटर से सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविशन। स्टैंडर्ड डेविशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविशन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया ना, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, यानी जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी सिग्मा स्क्वायर की, उसका हम क्या करेंगे, जब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें मान लीजिए यहाँ पे मिली 100, एज्यूम कर लेते हैं मान लीजिए आपको 100 मिली, ठीक है। तो सिग्मा होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो 10 हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने वेरिएंस निकाला उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी सिग्मा स्क्वायर अगर आपका वेरिएंस है तो इसमें जो सिग्मा है ना वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या ये जो स्क्वायर इधर सामने जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट बनने से उसका जो आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 65 में से 68.4 को आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 11.56 प्लस 68 माइनस 68.4। फिर से हम कैलकुलेटर लेंगे, हमें लिखना है 68 माइनस 68.4, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4। अब हमें इसका स्क्वायर करना चाहिए, इसका स्क्वायर करके आ जाएगा 0.16। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू आ गई 0.16। अब हम तीसरी वैल्यू सॉल्व करेंगे, तीसरा है 72। 72 माइनस 68.4 का पहले सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3.6। फिर 3.6 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.96। ठीक है, तो तीसरा वैल्यू आया 12.96। ऐसे हम चौथा वैल्यू भी सॉल्व करेंगे, 70 माइनस 68.4। अब हम क्या करेंगे, 70 माइनस 68.4 ये आ जाएगा 1.6। 1.6 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 2.56। और लास्ट में कितना था, वो था 67। फिर से हम करेंगे 67 माइनस, ये हमारा 67 माइनस 68.4। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके 68.4 है, ये सारे मीन है ना, वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। तो लास्ट में हमारे पास 67 माइनस 68.4 ये आ जाएगा 1.4। 1.4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1.96। अब हमें क्या करना है, इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हैं। 11.56 प्लस 0.16 प्लस 12.96 प्लस 2.56 प्लस 1.96, इन सबको ऐड करके आ जाएगा 29.2। अब हम क्या करेंगे, 29.2 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो 4 है ना, इस 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 नहीं, 2 आया, तो 29.2 को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 29.2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 7.3 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हमारा जो वेरियंस है वो आया 7.3। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई है 7.3, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आई है 7.3, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर यानी जो हमारा वेरियंस है उसकी वैल्यू आई है 7.3, ये हमने अभी सॉल्व किया ना कैलकुलेटर में, 7.3 वैल्यू आई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा, यानी हमें, हमने जो वेरियंस सॉल्व किया, दूसरा हमारा आंसर है वेरियंस जो कि सिग्मा स्क्वायर है, तो वेरियंस का आंसर कितना आ गया, वो आ गया 7.3। तीसरा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं सिग्मा को, तो 7.3 का स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस समय क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, 7.3 का हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 7.3 और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.70 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 2.70। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2.70 यानी 2.7 आप बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस। लास्ट में क्या पूछा था, लास्ट में पूछा था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चौथा है आपका स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर के ऊपर क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा, जो हमने अभी सॉल्व किया ना स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा भी हमारा कितना आया था, वो आया था 2.7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो हमें 2.7 को 5 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले हम 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर रूट कैसे हम सॉल्व करेंगे, 5 को यहाँ पर हमने लिखा और उसका हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, तो वो आएगा 2.23 के अप्रोक्सीमेटली, या इसको आप 2.24 बोल सकते हैं, तो ये आया हमारा 2.24। अब हम क्या करेंगे, 2.7 को 2.24 से डिवाइड कर देंगे, 2.7 आया इसको हम 2.24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 2.24, तो ये आया अप्रोक्सीमेटली 1.20। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 1.20। इसके साथ आपका स्टैंडर्ड एरर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरियंस कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे, स्टैंडर्ड एरर। तो मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो हमारा सिंबल होता है सिंपल सा, ये होता है मीन, वेरियंस को सिग्मा स्क्वायर से, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, और लास्ट में आता है स्टैंडर्ड एरर, उसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये चार क्वेश्चंस आपके सिंपल से यहाँ पे हो गए, चारों हमने सॉल्व किए। तो मीन के लिए क्या करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, जो भी आपको डेटा दे, उनको आप ऐड कर लीजिए, और एन यानी वो है कितना उतना से डिवाइड कर लीजिए, तो उस समय मीन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे जो हाइट्स थी 65, 68, 72, 70, 67, इन सबको हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने इसको किससे डिवाइड किया, इसको हमने डिवाइड किया आपके, यहाँ हमने किया था ना पहले क्वेश्चन में, सबको हमने ऐड करके 5 से डिवाइड किया, तो हमें मिला 68.4।
सो मीन हम लोगों ने आसानी से कैलकुलेट किया था 68.4। फिर हमारे को कैलकुलेट करना था वेरियंस, तो वेरियंस का ये वाला फॉर्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा। वेरियंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, उसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो ये आपके वेरियंस का फॉर्मूला होता है, इसमें एक्स आई में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्स बार है वो तो हमारा मीन है ही, जो कि हमने 68.4 सॉल्व किया। एन माइनस वन, एन कितना है? फाइव, तो फाइव माइनस वन यानी फोर यहाँ पे इसमें हो जाएगा। एक्स वन की वैल्यू कितनी है? एक्स वन की वैल्यू है 65, एक्स टू की 68, एक्स थ्री की 72, एक्स फोर की 70 और एक्स फाइव की 67। ये सारी वैल्यूज हमें दी है डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। एन कितना है यहाँ पे हमारा? ये पाँच है ना, तो एन हो जाएगा फाइव माइनस वन यानी कि फोर। वैसे हमें सारी वैल्यूज को पुट करना, 65 माइनस 68.4 का स्क्वायर प्लस 68 माइनस 68.4 का स्क्वायर प्लस 72। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज को पुट करके उसको सॉल्व करना है, उनका स्क्वायर करके उनको प्लस करके जो है लास्ट में एन माइनस वन यानी फाइव माइनस वन फोर से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा 7.3। वो हमारा वेरियंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हो जाएगा हमारा सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा। तो हमने जो वेरियंस निकाला था सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर को बोलते हैं वेरियंस। तो फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे वेरियंस निकाला है, अब हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सिग्मा स्क्वायर है वेरियंस और सिर्फ सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमारा जो स्क्वायर है अगर हम फ्रेंड्स इसको वहाँ भेज देते तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, यानी हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 7.3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.70। लास्ट में पूछा था स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने अभी सॉल्व किया ना, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। 2.70 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन कितना है? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.20, ये हो जाएगा 1.20 और यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस फॉर्मूला आप लोगों को मेमोराइज करके जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल इसमें हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने और रखा आपका मीडियन की कैलकुलेशन के ऊपर, इसमें मीन भी मैंने आपके लिए दिया। तो मीन बहुत सिंपल ही है, सबको हमें ऐड करके जो है सॉल्व करना है। तो मेन यहाँ पे मीडियन के लिए मैंने वाला क्वेश्चन रखा है। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथ क्लास, मैथ टेस्ट। तो 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स का उनका टेस्ट हुआ, उनके स्कोर्स यहाँ पे दिए। किसी को 78 मिला, किसी को 85, 92, ऐसा करके 10 बच्चों के अलग अलग स्कोर्स यहाँ पे दिए। यहाँ पे हमें मीन एंड मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मीन तो बहुत सिंपल है, हमें 10 के 10 स्कोर्स को ऐड करना है और 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मीन कैसे है हम सॉल्व करेंगे? सबको हम लोग ऐड करेंगे, 78 प्लस 85 प्लस 92 प्लस 65 प्लस 88 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 82 प्लस 79 प्लस 84। ये 10 स्कोर हो गए डिवाइडेड बाय, ये कितने बच्चों के स्कोर हैं? 10 के डिवाइडेड बाय 10। तो मीन तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मीन बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सबको ऐड कर देना फटाफट। 78 प्लस 85 प्लस 92 65 88 72 90 82 79 प्लस 84, इन सबको ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 815। को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81.5। तो ये आपका आ गया मीन। अगर मैंने प्लस में कोई मिस्टेक की हो तो एक बार आप लोग प्लस को एक बार देख लीजिएगा, एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं प्लस ठीक है या नहीं है। मैंने इसको रीचेक किया, 815 ठीक है, ठीक है। तो इनको ऐड करके 81.5, तो हमारा मीन सिंपल सा हो गया 81.5। अब हमें मीडियन सॉल्व करना है। तो मीडियन क्या बताता है कि हमें ये एवरेज बताता है, जो मिडिल पॉइंट है उसका ये एवरेज बताता है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर्स हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। कभी भी आपको मीडियन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उसको आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर मानी छोटे से बड़े ऑर्डर में इसको लिखना चाहिए। सो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है? छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? ये नंबर सबसे छोटा है, 65। फिर 72 78 79 82 84 85 88 90 और 92, ठीक है। तो ये 10 नंबर्स को पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखना है। तो ये पहला स्टेप है मीडियन को सॉल्व करने का। सबको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इसके बाद हमें मिडिल वैल्यू देखनी है। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं? 10 है, ठीक है। तो 10 है तो यानी कि मिडिल वैल्यू क्या हो सकती है? तो 4 यहाँ से, 4 वहाँ से, ठीक है। तो इनको आप इग्नोर कर दीजिए। तो जब 10 है तो 10 में मिडिल वैल्यू क्या हो सकती है? 10 का मिडिल वैल्यू कहाँ पे आ सकता है? ये आपका 5 और 6 जो आपका है इसके बीच में कहीं होगा, ठीक है। ये इनका जो एवरेज है यहाँ पे आपका मीडियन लाइक करेगा। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिफ्थ स्कोर प्लस सिक्स स्कोर का एवरेज यानी 82 प्लस 84।
यानी हम क्या करेंगे, 82 प्लस 84 डिवाइड बाय 2, यानी मीडियन यहाँ कहीं बीच में आएगा, ठीक है। तो 82 और 84 को हम डिवाइड ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 166। 166 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 83। 83 है आपका मीडियम स्कोर। तो मीडियम को कैसे कैलकुलेट करना है, जब ऑड नंबर है तो मीडियम कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। मान लीजिए यहाँ पे 92 तक ही, 90 ये लास्ट का नंबर होता ही नहीं, तो जब 9 है तो 9 से निकालना बहुत आसान है। 9 का मीडियम क्या है, 4 यहाँ से हटा दीजिए, लास्ट के 4 हटा दीजिए, तो जो बीच का बचेगा वही मीडियम। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 90 तक ही होता, तो मान लीजिए 92 होता ही नहीं, टोटल यहाँ पे 10 नहीं बल्कि 9 बच्चे होते, तो उनको मीडियम निकालना बहुत ईजी होता। 9 बच्चों में 4 बच्चे यहाँ के हट जाते और 4 यहाँ के, तो जो 82 बच गया वही हमारा मीडियम हो जाता। पर अगर इवन नंबर आएगा तो हम क्या करते हैं, हम बीच की दो वैल्यूज लेके उसका एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे इवन है, 10 एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 10 का आधा यानी कि 10 का आधा होता है 5, तो हम 5वां और जो छठा जो नंबर है उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो 4 यहाँ से हटाना है और 4 वहाँ से लास्ट से हटाना है, तो बीच में दो वैल्यूज बचेंगे 82 और 84, तो इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है, यानी मीडियन कहीं बीच में लाई करेगा। 82 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, 166 बाई 2, यानी 83 हमारा आ जाएगा यहाँ पे मीडियन। इसी के साथ आपका मीडियन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मीन तो बहुत ईजी है, मीडियन के लिए क्या करेंगे, अगर ऑड नंबर है तो मीडियन निकालना बहुत सिंपल है, अगर इवन नंबर है तो मीडियन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसमें जो बीच की दो वैल्यूज है उसको ऐड करके उसका हम लोग एवरेज निकाल के जो है मीडियंस में कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट इसमें होगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए थे उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 4-5 चैप्टर्स बताए थे वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं चैप्टर्स में से 5-5 नंबर की केस स्टडीज आपकी पूछी गई थी। तो ज़्यादा ही मैंने आपको स्टार्टिंग में 4-5 ही चैप्टर्स बताया, और मुझे लगता है कि वो 5-6 जो चैप्टर्स हैं उनका बिल्कुल देख सकते हैं, उनकी वीडियोज़ आपको 2 हैंड्स आप में मिल जाएंगी, उसको आप जरूर देख के जाइए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने ABM का जो आपका 2 हैंड्स का चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 2 हैंड्स का चैनल। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद 2 हैंड्स का जो हमारा ऐप है उसको आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो है 400-500 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ABM की वहाँ से आपको मिल जाएगी। ऐसी MCQ वीडियो है ABM की वो भी आपको मिल जाएंगी। ABM की मैंने जो है चैप्टर वाइज कुछ MCQs वीडियोस रखी है, अभी मॉड्यूल B की है और कुछ एक दो मॉड्यूल की आपको और मिल जाएंगे एग्जाम से पहले, तो उनको भी आप जो है फ्री की जो मैंने मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज जो रखी है उसको भी आप मॉक टेस्ट देके काफ़ी थ्योरी पोर्शन आपका वहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट आप लोगों के पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या कीजिए, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है, जो मैंने एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट बताया उनको आप बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।